जनाब अली खुश आमदेद कहते हैं आपको एक बार फिर। और जाहिर है ये जो बस ये जो म्यूज़िक है और ये जो बैकग्राउंड, इस चीज़ से आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये नेकी का सेगमेंट है। और मुझे हमारे हर दिल अजीज़ मेहमान नज़र आ रहे हैं आज। बिल्कुल। और सारिम भाई, आप जानते हैं जब भी यहाँ मौजूद होते हैं बहुत ही दिल को छू लेने वाली कोई ना कोई दास्तान, कोई ना कोई कहानी उनके पास होती है, चूँकि लोग एतबार करते हैं उन पर, एतमाद वाक़े पर उन्हीं से कोशिश करते हैं कि मदद मांगी जाए। सारिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, सारिम बर्नी ट्रस्ट का, जिस तरह से आप पिछले बहुत सारे बरसों से हम आपके साथ मिलके बहुत बहुत सारे काम कर रहे हैं, हमने बहुत सारी ज़िंदगियां अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मुंतखब किया हमें कि उनकी ज़िंदगी तब्दील हुई, ज़िंदगी बची और उसमें उसका सेहरा आपको जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये तो वो चीज़ें हैं जो हम आपके साथ कर रहे होते हैं, उसके बैकग्राउंड में आप कितना काम कर रहे हैं ज़ाहिर है वो आप और अल्लाह ताला की ज़ात जानती है। तो आज ये बच्ची जो है इसके बारे में ज़रा प्लीज़ हमें बताइए। हम ज़रा बल्कि वो थोड़ा सा ये वो मसला हो गया, दो बच्चे और मैंने लाने थे जिसकी बड़ी दर्दनाक कहानी थी, खैर अब वो नेक्स्ट प्रोग्राम में देखेंगे। ये बच्ची है, माँ बाप पे कर्ज़ा था, पंजाब से हैं, उन्होंने किसी के थ्रू यहाँ कराची भेज दिया, वो जो काम के लिए रख लेते हैं साल के पैसे दे के या महीने के क्या देते हैं, उन्हें तो बेचारों को पता नहीं मिले नहीं मिले पैसे। बहरहाल ये यहाँ पे भी तो दो तीन तरह के लोग होते हैं ना वो जो बिल्कुल एग्जैक्टली तो अब इसको जो है बाजी ने मारा पीटा, इतनी सी बच्ची यानी 8-9 महीने तो उसको मेरे पास हो गए, साल के करीब मेरे पास हो गया। आप सोचे कितनी सी बच्ची उसको मारा पीटा, उधर जो मासी थी उनको तरस आया, इतना तरस आया कि वहाँ से लेके निकली और सड़क पे जा करके छोड़ दिया। इन्होंने कहा इस जहन्नुम से ये बेहतर है सड़क पे छोड़ दे। बिल्कुल। फिर वहाँ जब आई थी तो इसके थोड़े जख्म वख्म भी थे जब आई थी वहाँ से, तो खैर उसको पुलिस वालों को मिली, पुलिस वाले ने हमारे हैंडओवर की, काफ़ी कोशिशें की, कोई पता नहीं चला। उसी कोशिश का आज भी हिस्सा है कि इसके घर वाले आए सामने आए, पता चले ये मिले, तो क्योंकि इकरार भाई और हम ये काम करते रहते हैं, अल्लाह ताला हमारी मदद भी करता है, रास्ते तो बनाता है, तो बस वो रास्ते बना देता है और ये मिल लेते हैं। अब ये टेंशन में इस बात की कि और बच्चों के घर वाले मिल गए हैं, अच्छा मेरे नहीं मिले, तो ये तो बच्चा जब बहरा एक ही शेल्टर होम में है और देख रहा है कि बाकी बच्चे अपने घरों को जा रहे हैं। आपको वो बच्चा याद है जो हम नाज़ोबाद में छोड़ के आए थे, किस तरीके से वहाँ समा था, हम सब हैरान हो गए थे, जिस तरीके से वो निकलते बातें कर रहा था और दुआ उनको दे रहा था कि तुम्हारे घर वाले भी मिल जाए, तो वो बड़ा एक तो अल्लाह करे कि ये बिल्कुल ही खैर बच्चों के जज्बात और एहसासात तो बहुत ही ज़्यादा नाजुक और मासूम होते हैं। आप जेल की मिसाल ले लीजिए कि जब एक कैदी जाता है तो बाकी कैदियों पर क्या गुजरती है, ज़ाहिर है ये मामला कैद वाला तो नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ जितनी सहूलत हो सकती है, वो तो मुजरिम होते हैं ना, ये तो बेगुनाह है बेचारे सारे के सारे। और अगर दूसरी निगाह से देखें हैं तो कैद में, चार दीवारी के अंदर बंद है ना, उनकी हिफाजत की पेश नजर ही है ना, उनकी हिफाजत के लिए, लेकिन ये है कि 8-9 महीने की कैद तो है उसको और तड़प रही है माँ बाप के लिए, भाई बहनों के लिए, अब लाए कहाँ से, वो आप लोगों ने भी इंतजाम करना है कि किस तरह ढूंढ अल्लाह ताला की जात इंशाल्लाह। ये माइक अगर आप मुझे है उसके पास बच्चे, चलो माइक ये उर्दू। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक हो? उर्दू में बात करें या आपसे पंजाबी में बात करें? उर्दू। क्या बात, आप ऐसे ही कह रहे थे उर्दू भी आती है पंजाबी भी आती है मेरी बच्ची को। क्या नाम है बेटा आपका? तानिया। अच्छा, और मुझे बताओ कि जहाँ आप काम करती थी पहले वो उस जगह का पता है कि वो कहाँ था? नहीं पता। तो था क्या वहाँ पे, क्या काम करती थी? झाड़ू पोछा। झाड़ू पोछा करती थी, तो फिर क्या करते थे वो लोग आपके साथ? मारते थे। किस बात पे? उनका मेरे पर गुस्सा आता था। आप पे गुस्सा आता था, आपसे कोई गलती होती होगी ना, इतनी छोटी सी बच्ची से गलती तो हो ही जाती है ना। तो आपका घर कहाँ है ये आपको याद है? लाहौर में। लाहौर में किस जगह पे है? जगह नहीं पता, कुछ याद है ना जगह, पत्तों की क्या, पत्तों क्या कर, पत्तों वाला। अच्छा, तो मुझे बताओ कि वहाँ से जहाँ जो आंटी मारती थी आपको, वहाँ से आप कैसे निकली थी? वो एक आंटी थी, उन्होंने लेकर आई थी आपको, निकाल दिया था। फिर कहाँ छोड़ा उन्होंने आपको? रोड पर। रोड पे छोड़ दिया था, तो फिर अंकल सारिम तक कैसे पहुँची आप, बाबा तक, इनको बाबा कहते हैं बच्चे। पुलिस वाला ने पकड़ा था, फिर उन्होंने छोड़ा था, इनके पास छोड़ दिया था। तब आपका दिल चाहता है अपने अम्मी अबू से मिलने का? जी। याद करती हैं उनको? ज़्यादा प्यार किससे आपको? अम्मी से। अम्मी से? तो बात नहीं हुई, कुछ पता नहीं उनका कि वो कहाँ पे है। तो अभी बाकी बच्चों के अम्मी अबू मिल गए? जी। तो आप अल्लाह ताला से दुआ करती हो कि आपकी अम्मी भी मिल जाए आपको?
बहनें हैं आपकी? दो बहनें? छह बहनें। सबसे ज्यादा आपसे प्यार कौन करता है बहनों में? पतोरा भी। और सबसे ज्यादा याद कौन करता है? अन्ना भी। हम पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, और अगर आपके अम्मी भी मिल जाते हैं तो फिर क्या कहोगी आप उनको? घर ले जाओ। घर जाना है? और अगर अल्लाह नहीं करता, अल्लाह नहीं करे ना मिल, नहीं मिलते फिर? ये मिल जाएंगे आपको लगता है? दिल कहता है कि मिल जाएंगे? सारिन भाई जी। ये तो बड़ी अजीब दास्तान है, अल्लाह रहम करे। इकरार भाई, और ये तो चले गांव के लोग हैं, अनपढ़ जिन्हें हम कह लें, और यानी नुकसान कहाँ पहुंचा? कराची की एक फैमिली जो पढ़े लिखे कहलाते हैं अपने आप को, शहरी कहलाते हैं अपने आप को, कि उन्होंने इतना भी नहीं सोचा कि बच्ची को अगर इस तरीके से कर देंगे, मारेंगे पीटेंगे सड़क पे छोड़ देंगे तो जाएगी कहाँ। और ये सोचें अगर ये किसी अच्छे पुलिस वाले को ना मिलती तो फिर तो यकीनन हम तक नहीं आती, फिर ये कहाँ जाती? और इसकी जो किताब है ज़िंदगी की वो ख़त्म हो चुकी, बंद हो चुकी होती फिर उसके बाद। लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि हम तक आई, आप लोग हमें हमेशा ये प्लेटफॉर्म देते हैं, हम कोशिश करते हैं, और अल्लाह ताला उसमें कोई ना कोई इससे बढ़कर करता है। क्या खिदमत हो सकती है इंसानियत की कि अल्लाह ताला ऐसा कोई वसीला और जरिया बना दे कि किसी बिछड़े हुए को मिला, किसी ऐसी बच्ची को अल्लाह ताला के साथ इस बाबरकत महीने के सदक़े आज दो रमजानुल मुबारक है इंशाल्लाह। बहुत अच्छी हुलिया में दिख रही है, जब आई थी बहुत बुरी हालत जी, मैं अभी भी देख रहा हूँ इसके हाथों पे बहुत सारे पुराने निशानात मौजूद है। बसी भाई खाने को बहुत अच्छा हमारे यहाँ दस्ती, हम इतना अच्छा नहीं खाते, सच बताए इतना अच्छा अल्लाह ताला के लोग हमारे बहुत वक्त गुजरता ना शेल्टर होम में रिकॉर्डिंग उसके लिए, मगर किचन उसके माँ बाप कहाँ से ला के दे, लाख मुझे बाबा कह ले, वाइफ को अम्मा कह ले, कुछ भी कह ले, लेकिन वो जो उसके माँ बाप है, जो उसके भाई बहन है, खेलते हैं, लेकिन खेल खेल में जिस वक्त याद आती है तो उस वक्त बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं फिर उस वक्त। अभी इससे बातें करते करते ये नहीं, आप ही देखिए कितनी समझ, यानी वक्त कितना बड़ा कर देता है बच्चों को उनकी उम्र से, कि उसने बहुत कोशिश की और बड़ा जब्त किया, आंसू निकाले नहीं है, वो खुद जाहिर है भर के, तो जिंदगी कितना कुछ सिखा देती है, अपना पन छीन लेता है ना ये हालात की। अगर नहीं मिले घर वाले तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं ले जाऊंगा इसको घर पे रखना चाहेंगे क्या? क्या कहीं और आप रहोगी जहाँ पे आपको मारा ना जाए और आपको रखा जाए, या घर वालों के पास ही जाना है? घर वालों के पास। और अगर नहीं मिलते तो? मिल जाएंगे, यकीन देखिए आप ये मिल जाएंगे। एड्रेस याद नहीं आपको? बिल्कुल एड्रेस नहीं याद। अभी हम आपको ये उम्मीद है, अभी हम अभी जो टीवी पे जा रही है ना, टीवी बहुत सारे लोग देखते हैं, आपके घर पे टीवी है? जी है टीवी। तो आपको लगता है वो आपको देख रहे होंगे इस वक्त? अगर वो देख रहे हो अभी तो फिर हम क्या कहें, आप क्या बोलोगे उनको? इधर कैमरे में देख के बताओ, अगर वो आपको देख रहे हो अभी तो क्या कहें? हाँ अम्मी को बोलो, अम्मी अगर आपको देख रही है तो सब क्या बोलोगे आप उनको? अम्मी मुझे घर ले जाओ। और घर जाके पहला काम क्या करोगी? हाँ घर को साफ करूंगी। और अम्मी अम्मी खाना ज्यादा अच्छा बनाती है यहाँ पे, खाना ज्यादा अच्छा मिलता है आपको लिहाज में कह रहे हैं। ये नाम क्या आपकी अम्मी का? नाम शाजिया। क्या है? शाजिया। शाजिया अम्मी का नाम शाजिया है। हाँ, और इनका नाम खदीजा है। हाँ। सारे भाई मैं अगर इस तरफ आ जाऊँ, और आप अम्मी अब्बू के साथ रहती हैं, अब्बू का नाम क्या है? खालिद। खालिद। और ज़्यादा टीवी कौन देखते हैं अम्मी अब्बू में से, ताकि हमें कुछ अंदाज़ा हो कि भाई किसका चांस है कि आपको देख ले टीवी पे? अम्मी ज़्यादा टीवी देखती हैं, अब्बू देखते हैं? अब्बू देखते हैं। खालिद भाई ज़्यादा टीवी देखते हैं, तो हो सकता है कि खालिद भाई देख रहे हैं। तो मैं भी रिक्वेस्ट करूँ कि खालिद भाई अगर आप हमें देख रहे हैं तो प्लीज़ हमसे कांटेक्ट करें। हाँ, तो इनकी अम्मी का नाम है शाजिया। हाँ, पहचानती हो बेटा? पहचानती हो? लो जी, पहचान रही हो? Thank you.
आजे आजे खाल सर। मेरा बच्चा। बस दुपट्टा ठीक करें और बैठे तशरीफ रखे मैम, आ जाए आप भी मिल लें। खालिद साहब मिल लें आप। हाँ इसकी बहनों को आ गए भाई। हाँ अभी छोटी बहनों को भेज देना। हाँ भेज दे भेज दे। आ जाए आ जाए आ जाए। क्या हाल है बहन, ठीक है आप? अब ज्यादा ठीक है, अल्लाह की मेहरबानी हो गई माशाल्लाह। आ जाए आ जाए, उधर तशरीफ रखें प्लीज। आ जाओ भी आप भी साथ ही आ जाओ अबू के ना, उधर आ जाओ उधर उधर आइए। इकरार भाई बेचारों पे कर्ज चढ़ा हुआ था, वो उतारने के लिए नौकरी करा रहे थे इस मासूम। अच्छा अच्छा अच्छा। एक मिनट बैठ, भट्टे पे काम करता है। ओ गैरी आप ही आ गए भाई, उसने आवाज लगाई है आप ही। वाह भाई वाह, इधर आए होए। आप ही आ गई है। वाह वाह वाह, आप देख रहे कैसे बड़ी बहन का रोल आतिश अदा करना शुरू कर दिया। हां वही वाह। अच्छा जी वो कह रहे हैं आप ही आ गई है। बस भैया अभी आ गई है। खुश हो जरा, कह रहे ना बात खदीजा से, फालतू से बात करते हैं। बड़े यकीन से आपने कहा था कि मिल जाएंगे इंशाल्लाह, और देखो अल्लाह ताला ने आज दूसरे रमजान को मिला दिया। आप बताइए, शाजिया आंटी भी आ गई और खालिद अंकल भी आ गए, दोनों ने देख लिया। हाँ कैसा लगा ये सरप्राइज आपको? अब रोना तो नहीं है ना? अब रोना नहीं आज के बाद आपने, ठीक है ना? इनका क्या नाम है आपकी बहन का? ज़हरा। हाँ। और इसका क्या नाम है? अरूज। ओके। इनमें से तंग कौन करता है तुम्हें ज़्यादा? ज़हरा। तंग नहीं करना आप ही को, ठीक है? हाँ। क्या हाल है बहन, ठीक है आप? अब तो खुश हो जाए, अब तो बस अल्लाह ताला ने देखे ना माशाल्लाह बेटी मिलवा दी आपको। आपको क्या लगता था कहाँ चली गई, कुछ पता था इसके बारे में? कुछ पता नहीं, बहुत परेशान थे हम लोगों ने, बहुत ढूंढा सारी ईदियों में, इधर नहीं मिले। हम लोग बर्थडे पे काम करते हैं, अब किसी से पैसे पकड़ के इधर आए हैं चीकू लेने के लिए। इकरार भाई इसमें एक रक्षे वाला है, उसे भी हमें बुलाना था, नहीं आया वो, जिसने इनको बड़ी सपोर्ट की है। अच्छा। ये जब पहले यहाँ कराची बेचारे आए ढूंढने के लिए, दर बदर ठोकरें खाते रहे, रक्षे वाला बेचारा लेकर के घूमता रहा इनको, आज भी ये उसी के घर में है जो अजनबी रक्षे। अच्छा। वाला आप ये देखे है, हम लाख बुराइयां कर ले लेकिन आज भी अच्छे लोग हैं। और ये अगर रक्षे वाले ये ट्रांसपोर्टर ये अच्छा रोल अदा करे ना, तो ये बच्चे भी अक्सर उन्हीं को मिलते हैं जी, सड़क पे होते हैं, सही जगहों पे पहुंचाएं या ढूंढने वाले को सही जगह पे पहुंचा दें तो फौरन मिल जाएगा वो बच्चा। ठीक है, तो ये माँ का दिल तो बड़ा परेशान होता है ना कि मेरी बेटी पता नहीं कहाँ होगी, और बेटी है ना बेटा। मैं जब से ये गुम हुई मैं सोई नहीं हूँ, अल्लाह के आगे दुआ करती रहती हूँ कि मुझे मिल जाए। आज अल्लाह ने सुन लेना आपकी जी, सारे भाई अल्लाह ताला ने वसीला बनाया कि बच्चों को जिंदगी दे, उसको जिंदगी दे ने मेरी बेटी की हिफाजत की और दिखाया हमने ढूंढ ली। जज़ाकअल्लाह सारे भाई, ये अल्लाह अल्लाह की बड़ी अता है आप पे, अल्लाह ने आपको इस मकसद के लिए मुंतखब किया ले जी। हम तोतों की सेवा करने के लिए बाकी दिनों में बाकी दिनों में बच्चे घूमे माशाल्लाह। आप ये देखें, मैंने कहा ये तोता अच्छा ही है, कहती ये अच्छा है, मैंने कहा ये दोनों अच्छे हैं, आप ही अच्छी है, कह रही आप ही अच्छी है, आप ही के बाद वो आप ही को बता रही है मैंने क्या देखा। तो ये कब आई थी यहाँ पे काम करने के लिए कराची में बच्ची? बेटा मुझे याद अंदाजन साल हो गया है, दो साल साल हो गया। अच्छा, गार्डन इसने कभी आपसे बात की कि वो मारते हैं जहाँ पे काम कर रही थी या नहीं? बात ही नहीं करवाई। फिर आपको कैसे पता लगा गुम हो गई है? मासी ने बताया था। हम गार्डन की सैर के लिए जा रहे हैं, फिर से आप सबको ले जाना, प्लान बन गया, उसने कहा चलें। मैं गार्डन अच्छा है, इकरार इस गार्डन का नाम है बागे रमजान, आप लोग बातें करें, हम गार्डन की सैर कर रहे हैं। गुरबत में बच्चे को ढूंढना, सोचें जरा, आप सोचें यहाँ कराची आना और फिर अभी भी कर्ज चढ़ा हुआ है, ऊपर से कर्ज लेकर के कराची पहुंचे ये लोग। ठीक है, इंसान यानी अगर बच्चा भी खो जाए, हम ऐसे मुल्क में हैं जहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं जो उसको ढूंढने में मदद करे या कोई ऐसा निज़ाम हो कि उस तक वो पहुँच जाए,
उसके लिए भी आपको उधार कर्ज लेकर के जो है ना सड़कों पे धक्के खाने और उस बच्चे को जो है ना आपने ढूंढना है। अच्छा ये सर में हम आमतौर पे बच्चों से मुतालिक सोचते हैं कि जरा माँ से ज़्यादा करीब है, लेकिन बाप जो है वो आप देखें मुस्तकिल बहुत होती है, लेकिन उसका इजहार शायद उस तरह से नहीं कर पाते। सलामुलेकुम भाई जान, अल्लाह खैर, अब तो देखे ना माशाल्लाह, अब तो रोने की बात ही नहीं है, खुशी का समय है ना, अल्लाह ने बेटी मिलवा दी ना। तो आप क्या काम क्या करते हैं भाई? अब तो ये खुशी के आंसू है ना, परेशानी तो नहीं, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह, साथ है हम आपके हर तरह से। शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला ने इस बाबरकत महीने में, आप परेशान थे इसकी इसकी गुमशुदगी पे? क्या क्या किया जो सर, जो वहाँ किया ते पैसे ऐसे भी कर्जा भी लिया, जाहिर आना जाना अपना खर्चा बस ऐसे तरह ही है, किसी को फाड़ लिया बाद वापस कर दिते ना किते। तो की सोचते सी जाहिर बेटी इधर तान है कि अल्लाह रहम करे, कितनी होएगी की खारी होएगी हूँ, जिस तरीके ईद आ रही सी ना तो सी ने चाहिए सी कला जाना है कितने किस हालत किस तरह रही लोगों के बच्चे ने, जेडे बच्चे साढ़े घर ने उन्हें जुत्तियाँ पाने कपड़े पाने खाना भी खाना पता नहीं साड़ी बच्चे कितने। लेकिन अल्लाह ने अच्छा रखा सी उन्हें माशाल्लाह, लेकिन अच मिल गई ये खुश हो वह भी है सर का भला इन्होंने दवा देने कि अगर असी ना वेखते तो फिर असी तो ना उम्मीद ही सी। अल्लाह के घर में उम्मीद जो है ना वो नहीं छोड़नी चाहिए, इवन कि खदीजा को खुद कितनी उम्मीद और यकीन था कि नहीं इंशाल्लाह मिल जाएंगे। बातें सुन रहा था कि किस तरह की नहीं अम्मी देख रही होगी, नहीं अम्मी आ जाएगी, ये एक अल्लाह की तरफ से है ना सारी। तो ये क्रेडिट हम समझते हैं कि ये निदा यासिर साहिबा को भी दिया जाना चाहिए, क्योंकि ये जब बेटी बच्ची जो है पहली बार मॉर्निंग शो में बैठी और फिर उससे हमने ट्रेस करना शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह ताला जितने भी लोगों को अल्लाह ने वसीला बनाया सबके लिए, और निदा यासिर को भी खुश हो जाना चाहिए कि इतनी रेटिंग है उनकी कि इतने लोग देख रहे हैं, कि गांव में बैठी भी फैमिली ने देखा और इनको बताया और ये हम तक के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र। आपकी सैर व तफरी खत्म हो गई हो बादामी साहब है? अगर आपकी सैर तफरी हमारी दोस्ती हो गई हमारी यार, गप्पे मार रहे हैं, तो क्या हम सेगमेंट अपने खदीजा अभी फिर बाद में आ जाओ, फिर यही घूमने अभी इनके बच्चों के सेगमेंट में बिठाते हैं, आ जाओ आ जाओ। खदीजा बस आखिर में बता दो खुश हो कितना? अब आपने ईद भी अम्मी के साथ करनी है, अब आपने आज इस दिन रोजा भी रखा हुआ माशाल्लाह, रोजे भी अम्मी के साथ रोजा है ना? अरे वाह क्या बात है, ठीक है बेहतरीन बच्चा, अल्लाह ताला बहुत खुशियां आप ही को घर पे लेके जाओ, नहीं पैदा करे ठीक है आप ही के साथ घर पे जाओ, चलो वेरी गुड जबरदस्त माशाल्लाह, क्या क्या ही इससे अच्छा आगाज हो सकता था, रमजान और मुबारक जुमतुल मुबारक और ये इतना मुबारक काम हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। एक सवाब और करना है वो जिस दिन आप बोलेंगे वो क्या? हाँ दो बच्चे जिनका बाप सड़क पे छोड़ के गया। हाँ अच्छा खुद बाप ही छोड़ के गया, कोई अच्छा। नहीं मिल रहा उसका, और यकीनन जब बाप छोड़ के जाएगा तो कौन मिलेगा? हाँ, हाँ। लेकिन कोई माँ मामू चाचा कोई तो मिल सकता कैसी, है कैसी? कम से कम रहे हमारे पास पीछे पता तो होना कि कौन है क्या कोई है। हाँ तो उसके लिए भी कोशिश करें अगर अल्लाह करे इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये महीना अल्लाह ने चाहा इसी तरह से इंशाल्लाह नेकी का ये सेगमेंट परवरदिगार ऐसी नेकियां आपसे लेता रहे सारे भाई और बाकी भी इंशाल्लाह मौजूदात पे इंशाल्लाह। खालिद भाई जज़ाकअल्लाह मुबारक हो आपको, बहुत बहुत मुबारक हो, खुश रहिए। मैंने से पूछा उसने कहा अब्बू ज्यादा टीवी देखते हैं, शायद अब्बू देख ले मुझे टीवी पे, आपसे बड़ी उम्मीद थी, तो आप खुश रहिए बहुत नवाजे बहुत शुक्रिया। और एक दफा बहुत सारी तालियां बजा दें सारे प्यारे बच्चों के लिए भाई, ये सारी क्लैपिंग आपके लिए हो रही है क्लैपिंग, बहुत नवाजे बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला इस नेकी को कबूल करें इंशाल्लाह। हम एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।